तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये कोटा के कुछ नज़ारे। इस एरिया को बोला जाता है एसी वाले गणेश जी के यहाँ का एरिया। अभी आप लोग देखिएगा, अभी एसी वाले गणेश जी आएंगे कोटा के, उसको दिखाऊंगा मैं आप लोग। ये देख सकते हो एसी वाले गणेश जी। मैं अब शायद कंटिन्यू करूँगा ऐसे टाइप के मोटो ब्लॉग्स। अगर आप लोगों को पसंद आए तो बताना कमेंट में। इसको बोला जाता है सीआईडी सर्कल। अब देखना बहुत सारे मोमेंट्स जैसे भी आएंगे जहाँ आपको राइडिंग भी दिखेगी बहुत। मेनली इसमें अभी बहुत बढ़िया चीज़ बनने वाली है, फाइनल तो मैं आपको जब बन जाएगी तभी दिखाऊंगा। यहाँ पे जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है वही निकल पाता है सबसे आगे गाड़ियों में। और ये है कोटा के दशहरा मैदान का वाला एरिया। ये रास्ता जाता है बहुत सारी जगहों पर, आपको जिधर से तरना हो यहाँ लगता है अपना दशहरा। इस साइड दोनों दशहरे वाले दिन पे तो ये सारे रास्ते ब्लॉक हो रखे होते हैं। अब जब दशहरा आएगा तो आपको उसके भी ब्लॉक देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हो मेन एंट्रेंस शायद है ना, मेन एंट्रेंस ये है। बहुत सारे रास्ते हैं, कम करीबन 9 गेट हैं शायद इस चीज़ के। तो ये चौराहे को बोला जाता है किशोरपुरा चौराया, और यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन भी है, किशोरपुरा थाना बोलते हैं इसको। हम लोगों को जाना था केतुनी पोल की साइड पे। अगर आप लोग केतुनी पोल की साइड से हैं तो एक बार केतुनी पोल लिख देना कमेंट में। यस आई एम फ्रॉम केतुनी पोल लिख देना। ये देखो जेसी भी, ये देखो कोटा लगता तो है थोड़ा बहुत। ये है पुराना कोटा मेन, तो यहाँ गेट देख सकते हो आप लोग। ये है नीलकंठ महादेव मंदिर। और आप लोग सोचोगे कि हम इधर क्या करने आए, हम बेसिकली चावल का कट्टा बोलते हैं इसको लेने आए। वो पुराने कोटा में बढ़िया चावल मिलता है, क्वालिटी बढ़िया होती है, इसलिए हम लोग नए कोटा से पुराने कोटा की तरफ आए हैं। सीढ़ी के सुनसान रास्ते। तो इस तरफ मेरे मौसा जी की दुकान भी है, अभी तो वो खुली भी नहीं होगी वरना मैं आपको वहाँ भी लेके चलता। ये देख सकते हो, बस होप की हो चावल की दुकान बंद ना हो। तो होपफुली चावल की दुकान खुली हुई है, अभी हम चावल खरीदते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको। ले लिए तो गाइस फाइनली हमने चावल का कट्टा ले लिया है, अब इसे घर पे जाके बना के खा के देखते हैं कैसा रहता है। तो आते वक्त अपन आए थे जस्ट अपोजिट साइड से, अब जाते वक्त अपन कहीं और से जा रहे हैं कोटा में, रास्ते अलग अलग। और अगर आप लोग कोटा से हो तो मुझे बताओ आप कहाँ कहाँ से देखते हो हमारे व्लॉग्स, या कोटा के बाहर से भी हो तो मेरे को बताओ आप कहाँ कहाँ से देखते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। अभी सिर्फ अपन, मैं मानता हूँ कि कंटेंट अच्छा नहीं हो सकता किसी किसी के लिए, बट कंसिस्टेंसी पर ध्यान दे रहे हैं अभी अपन। आने वाले टाइम पर अपन कंटेंट भी अच्छा लाएँगे, ठीक है ना। तो ये है जस्ट पीछे दशहरे के जस्ट पीछे वाला एरिया, और इस रास्ते पर मेनली चंबल गार्डन जो आपने सुना होगा कोटा में बहुत फेमस है। और ये है हमारे माननीय ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनका ऑफिस। और ये है चंबल गार्डन जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है कोटा सिटी के अंदर। तो
वाली को पकड़ लिया। और बाकी जो मुझे पता नहीं है एरियाज, वो मेरे पापा के आवाज़ आपको सुनाई में दे ही रही होगी, तो उनको ज़्यादा पता है वैसे, वो बताते जाएंगे आप वो भी सुन लिए। ये है कुछ चंबल गार्डन का जस्ट छोटा भाई है, उसके बगल में ही स्विंग गार्डन, इसको स्विंग गार्डन का नाम दिया गया है। तो ये है गोदावरी धाम और ये हंस